आम खबर दें आपको, लाहौर में दफा 144 का निफाज, पीटीआई की दरख्वास्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया। दरख्वास्तों का जायजा लेकर कमीशन जरूरी एक्शन लेगा। लाहौर में दफा 144 का निफाज, पीटीआई की दरख्वास्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। दरख्वास्तों का कमीशन जरूरी एक्शन लेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और डॉक्टर बाबर ऐवान का यह कहना था कि जल्द अज जल्द इस दरख्वास्त पर जो है वो फैसला सामने आना चाहिए, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गौर के लिए कल इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रैली आज निकाली जाएगी और इसी सिलसिले में लाहौर में दफा 144 का भी निफाज किया गया है। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। को चेयरमैन की गिरफ्तारी पर शोएब शेख की वालदा का खसूसी पैगाम, कहा मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ।